अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, सर्दी और फिश दोनों एक दूसरे के बड़े करीबी और पक्के साथी हैं। इनको इकट्ठे ही गुजारा करें। जी, जिनको लगता है हमसे फिश अच्छी नहीं बनती, अच्छे फ्राई नहीं होती, टूट जाती है या ठीक से मैरिनेट नहीं होती है, तो उनके लिए एक इजी आसान रेसिपी। किसी भी फिश मसाला खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, घर में हर चीज़ अवेलेबल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी रेसिपी आपको आज मिलेगी, बिगनर्स के लिए स्पेशली, बहुत आसान। बी कॉन्फिडेंट एंड लेट्स ट्राई इट। जी, तो सबसे पहले सूखा धनिया लेंगे 2 टेबलस्पून, और उसको पैन में सूखा फ्राई कर लेंगे। और जब ये थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो आप इसमें ज़ीरा 2 टेबलस्पून डाल दें। ज़ीरा भी फ्राई हो जाएगा थोड़ा, तो फिर हम इसके अंदर अजवाइन 1/2 टीस्पून काफ़ी होगी। इन सब चीज़ों को फ्राई कर लें, और उसके बाद आप इनको पीस के रख लें, और ये हम इसको ठंडा होने पर पीस दें। जी, फिश है 2 kg, हमने धो के साफ़ कर ली है। ये पिसे हुए सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसके साथ हम सोया सॉस डालेंगे 2 टीस्पून। जी, और चिली सॉस है 2 टीस्पून। जी, इसके अलावा मसाले जो इस्तेमाल करेंगे, नमक 1 चाय का चम्मच, मिर्च 1 चाय का चम्मच, और आधी चाय के चम्मच हल्दी है, और अदरक का पेस्ट है आधा 1 चाय का चम्मच, और लहसुन पेस्ट है 1 खाने का चम्मच। ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर खटाई के लिए लेंगे लीमू, 3 लीमू जो हैं इसके लिए छोटे वो काफ़ी होंगे, और हम इनका जूस जो है इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लीमू घर पर नहीं है। हम इसके अंदर जो है लीमू डाल रहे हैं, लीमू का जूस जो है वो बहुत एक अच्छा टेस्ट देता है, और साथ ही ये इसको मैरिनेट करने में भी हेल्प करता है। फिश जल्द ही मैरिनेट हो जाती है, इसको अगर आप जल्दी है तो आधा घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें ये सारे मसाले लगा कर, तो ये काफ़ी होगा, ये मैरिनेट हो जाएगी, इसी में मसाले जज्ब हो जाएंगे। जी, तो अब ये सारे नींबू का रस हम इसमें डाल चुके हैं, तो अब हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से अच्छा से मिक्स करें ताकि हर पीस के ऊपर मसाला जो है वो कोट हो जाए। और इसके बाद मैं आपको कोटिंग के लिए एक और चीज़ बताऊंगी, जो हम मटेरियल बनाएंगे। ये हमारा बेसन है 1 कप, ये हम लेंगे, और इसके साथ ही हम लेंगे मैदा, ये 1/2 कप है, ये आप इसमें डालें। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आएगा चावल का आटा, ये 2 टेबलस्पून है इसके लिए। ये क्रिस्पी इसको बनाएगा, जो फिश की कोटिंग होगी वो क्रिस्पी बनेगी। जी, नमक और मिर्च ये 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ, और काली मिर्च जो है वो 1/4 टीस्पून। कोटिंग में लाइट ही नमक मिर्च रखें, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है मैरिनेशन में काफ़ी नमक मिर्च डाल चुके हैं। जी, तो अच्छा सा इसमें नमक मिर्च को मिक्स कर लें, और उसके बाद हम इसको पानी के साथ जो है वो इसका लिक्विड बना लेंगे पेस्ट। आपने ये आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है पानी को, और आप देख लीजिएगा कि आपका पेस्ट जो है किस हद तक इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। हमारा जो है अच्छी सी मोटी कोटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं बनाना इसको आपने। ऑयल लेंगे 1 कप कढ़ाई में, इसको गरम कर लें। हल्के गरम ऑयल के अंदर जो है वो आप फिश के पीसेस, ये देखिए ऐसी कोटिंग होनी चाहिए, दोनों साइड्स पे अच्छा सा बेसन जो है वो कोट हो जाए। जी, 1 by 1 सब पीसेस के ऊपर कोटिंग लगाइए, और आप इसको फ्राई के लिए रख दीजिए। थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए ताकि आपस में ये चिपके नहीं, और आप इसको सॉफ्टली जो है वो फ्राई कर लीजिए। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ करेंगे तो ऊपर से जो बेसन है वो जल्दी से फ्राई होकर ब्राउन हो जाएगा, और जो अंदर से फ़िश है वो आपकी ज़ाहिरन नहीं पकेगी। फ़िश वैसे उस कुकिंग टाइम उसका बहुत कम होता है, जल्द ही ये पक जाती है अंदर से। अभी आप इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। जी, तो अगर आप एक टाइम पे सारी फ़िश इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप इसको इसी तरह मैरिनेशन में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आप निकालें इसी तरह आप बेसन की कोटिंग करें और उसको फ्राई कर लें। उस सूरत में ये फ्रीज़ होगी तो ज़ाहिर है थोड़ा कुकिंग टाइम वो ज़्यादा लेगी, तो आपने उसको लो फ्लेम पे करना है। जी, ये हमारे जो पीसीज हैं दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। 1-2 दफ़ा आप इनकी साइड्स बदल के दोनों तरफ से अच्छे से हीट लगवा दें, और उसके बाद आप इसको जो है वो डिश आउट कर लें। जी, तो सर्दियों में कोई भी दावत हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जस्ट फिश मंगवाएं, उसको आप मैरिनेट करके पहले से रख दें, और जैसे ही आपका खाना तैयार हो आप इसको जो है निकालें फ्रिज से, और आप इसको इस तरह कोट करके, और आप इसकी जो है फ्राइंग कर लें। आपकी एक बहुत अच्छी सी डिश जो है वो रेडी हो जाएगी साथ में, जो कॉम्प्लीमेंट करेगी, और आप तारीफ़ समेटें ढेर सारी। और ये घर के मसाले कोई आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है।
सर्दियों में फ़िश लाजमी इस्तेमाल किया करें, वो आपको अंदर से गर्म रखेगी और आपको सर्दी से बचाएगी। स्पेशली बच्चों को दवाइयों से बचाएं, आप उनको फ़िश खिलाएं, ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, अंदर से गर्म रखें ताकि वो ठंड के असर से बच सकें। जी तो हमारी फ़िश जो है वो रेडी है, हम डिश आउट कर चुके हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी क्रिस्पी सी और इसकी प्यारी सी लुक है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, मेरी रेसिपी से आपको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये भी बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मेरी रेसिपी जो है लाइक करें अगर पसंद आई है, और बाकी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, शायद किसी को रेसिपी की ज़रूरत हो। और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और सब अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।